नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हम उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, और वो बड़ी खबर आ रही है गुजरात से, क्योंकि गुजरात के नए हमारी संवाददाता जानकारी दे रही थी। अब हम अपने कार्यक्रम पर लौटते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में अब मुश्किल से 6 महीने का समय बचा है। सत्ता की रेस जीतने के लिए विभिन्न पार्टियां अपने अपने दांव चल रही हैं, चाहे फिर वो धर्म या फिर जाति विशेष के दांव। बीजेपी के बूथ विजय अभियान में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी श्री राम के नाम का मुद्दा उठा दिया है। तो आज रायबरेली में प्रियंका गांधी ने भी हनुमान मंदिर में आशीर्वाद लिया है, पूजा अर्चना की है। तो वैसे भी बार बार अपना मुस्लिम प्रेम वोटरों के सामने जता रहे हैं। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो उत्तर प्रदेश में अगर सिर्फ धर्म की बात हर राजनीतिक दल कर रहा है, तो सवाल यह है कि क्या भक्ति और धर्म के सहारे यूपी में सत्ता की शक्ति हासिल करने की कोशिश है? तो हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट। कोई हनुमान की शरण में जा रहा है, तो कोई भगवान राम की भक्ति दिखा रहा है, और कोई सर्वजन के नारे के साथ चुनावी अभियान का श्री गणेश कर रहा है। यूपी में इन दिनों कुछ ऐसी सियासी बयार बह रही है कि हर किसी के कर्म में धर्म की झलक दिख जाती है। भक्ति के जरिए चुनावी शक्ति जुटाने की कुछ ऐसी ही तस्वीरें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के रायबरेली दौरे पर भी नजर आई। प्रियंका का काफिला तेजी से रायबरेली की ओर बढ़ रहा था कि रास्ते में प्रियंका हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए रुक गईं और मंदिर में पूजा पाठ किया। आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ से निकलती हुई हनुमान मंदिर दर्शन करने आई थी, और अजय कुमार लल्लू भी यहाँ मौजूद हैं। 3 दशक से सत्ता से बाहर कांग्रेस यूपी में प्रियंका गांधी के करामात के भरोसे है। यही वजह है कि प्रियंका चुनावी रणनीति के साथ साथ लोगों से सीधे संवाद की कोशिश कर रही, जिसके जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ा जा सके। प्रियंका गांधी की इन कोशिशों में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में भी उत्साह बढ़ा है। रायबरेली के रास्ते पर जगह जगह कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए खड़े दिखाई दिए। लगातार देख सकते हैं फूलों की बौछार हो रही है, और इसी बीच प्रियंका गांधी वाड्रा का स्वागत हो रहा है, और एक बार फिर से जो है वो अपनी गाड़ी में बैठ रही हैं, और तस्वीरें आप लगातार आज तक पर देख रहे हैं। अब तक कम से कम नहीं तो 5 से 6 बार वो कार्यकर्ताओं के बीच आ चुकी हैं और मिल चुकी हैं। प्रियंका गांधी ने पार्टी को मजबूत बनाने के लिए पुराने नेताओं को फिर से साथ लाने का प्लान तैयार किया है, और इसके लिए वो खुद कई नेताओं से सीधे संपर्क की तैयारी में है। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रियंका गांधी की ये कवायद कांग्रेस को यूपी में मजबूती दे पाएगी, क्योंकि बीजेपी नेता प्रियंका गांधी के यूपी दौरे को पिकनिक बताकर तंज कस रहे हैं। और एक दिन छुट्टी नहीं लिया, एक दिन पिकनिक नहीं मनाने गया। प्रियंका तो पिकनिक मनाने आती है मित्रों, और कोरोना महामारी में राहुल और अखिलेश जी तो घर से नहीं निकलते। आज मोदी जैसा जनसेवक न होता मित्रों देश के अंदर, योगी जैसा कर्मयोगी न होता, तो ये देश और राज्य न बचता मित्रों। कोरोना महामारी से तो मरते ही भूख से गरीब मर गए। सवाल ये भी है कि प्रियंका की ये कोशिश बीजेपी के मिशन यूपी को कितनी चुनौती दे पाएगी, क्योंकि चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं की भक्ति के बहाने बीजेपी पूरे विपक्ष को निशाने पर ले रही है। आज सपा बसपा और कांग्रेस सुविधा की राजनीति करने लगे हैं। आज 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला जन्मभूमि का भव्य निर्माण का काम प्रशस्त हुआ है, तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से हुआ है। सपा बसपा कांग्रेस के बताए उनकी सरकारों में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर क्यों नहीं बनाया? हालांकि कई विरोधी पार्टियां यूपी की राजनीति की धर्म कर्म वाली इस लड़ाई की काट जातीय समीकरण ढूंढने में लगी। बीएसपी और एसपी दोनों ही जातियों को जोड़कर यूपी में जीत का प्लान तैयार कर रही हैं। ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए बीएसपी दलित ब्राह्मण वाले समीकरण को फिर से साधने में जुटी है। वहीं ब्राह्मण मतदाताओं को साथ लाने की लड़ाई में अब समाजवादी पार्टी भी उतर आई है। औरैया में
समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत कर दी है, जिसके जरिए पूरे प्रदेश के ब्राह्मण मतदाताओं को एसपी के पक्ष में लामबंद करने की तैयारी है। सियासी सरगर्मी के बीच हर किसी के अपने दावे हैं, हर कोई जीत का दम भर रहा है, लेकिन 2022 के चुनाव में किसके दावे जमीन पर सच होंगे, इसका फैसला तो यूपी की जनता ही करेगी। लखनऊ से कुमार अभिषेक, संतोष शर्मा के साथ समर श्रीवास्तव, रायबरेली आज तक। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम, संजीव सिंह जी, डॉक्टर आशुतोष वर्मा, डॉक्टर एमएच खान, प्रोफेसर संगीत रागी। आप पांचों को नमस्कार, आप पांचों का स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। संजीव जी, आपके नेता प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में चुनावी मिशन में जुटी हुई हैं, ब्राह्मण सम्मेलन हो रहे हैं, प्रबुद्ध जन सम्मेलन हो रहे हैं, धर्म की राजनीति उत्तर प्रदेश में काफी देखने को मिल रही है, आपकी तरफ से भी हनुमान मंदिर में जाकर प्रियंका गांधी पूजा अर्चना कर देती है, कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात, लेकिन क्या ये बेहतर ना हो कि मुद्दे उठाए जाएं, मुद्दों पर राजनीति की जाए। यदि उत्तर प्रदेश चुनाव में तैयारी आप कर रहे हैं विधानसभा की, तो आपका मुख्य मुद्दा उत्तर प्रदेश में क्या होगा और तीन ऐसे मुद्दे कौन से होंगे जिन पर कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने की संजीव जी कोशिश करेगी? देखिए, सबसे पहले सैयद अंसारी जी, आपके सभी दर्शकों को अपने आपके चैनल से नमस्कार करता हूं। दूसरी बात कि आपने कहा कि प्रियंका जी ने हनुमान जी के जाकर दर्शन किया, देखिए धार्मिक आस्था का दिखावा हम लोग नहीं करते। पहली बात कि बिल्कुल कांग्रेस पार्टी धर्म और जात के आधार पर राजनीति नहीं करती। हम 31 साल से उत्तर प्रदेश की सत्ता से दूर, लेकिन 31 साल में जो देखने को मिला कि आज बेरोजगारी कहां पे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आज भ्रष्टाचार, अभी कोरोना की बात आप कर रहे थे, पीपी किट का घोटाला हुआ, उसके साथ ही टेस्टिंग किट का घोटाला हुआ, बेसिक शिक्षा में घोटाला हुआ, पशुधन का घोटाला हुआ, तो घोटालों का इतिहास उत्तर प्रदेश सरकार का रहा और संजीव जी नेटवर्क प्रॉब्लम है कुछ, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। सबसे बड़ी बात ये योगी जी का एक आज एडवर्टाइजमेंट है, जहां पे कलकत्ता में भी चुनाव हुआ था, बंगाल में, कलकत्ता की बंगाल की सरकार को क्रिटिसाइज किया था, ये योगी आदित्यनाथ जी की है कि ये आज तक एक रोड उत्तर प्रदेश में बना नहीं पाए, ये कलकत्ते की रोड को दिखा रहे हैं, अमेरिका के उस कंपनी को दिखा रहे हैं। तो आज कहीं ना कहीं पूरी तौर से झूठ की जो सत्ता उत्तर प्रदेश में चल रही है, प्रियंका जी लगातार मेहनत कर रही हैं। और जिस तरह से आपने कहा कि आपके मुद्दे क्या होंगे, मुद्दा यहाँ किसान का है, क्या किसान आज जिसकी एमएसपी हमने मनमोहन सिंह की सरकार में 19% बढ़ने का काम किया था, आज देश में जो नरेंद्र मोदी की सरकार है मात्र 3% एमएसपी बढ़ाने का काम किया, तो मुद्दा किसानी का है। बेरोजगारी 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी, और अभी सीएमआई का जो पिछले महीने का आंकड़ा आया है 12% बेरोजगारी बढ़ी है, और सबसे बड़ी बात कि अपराध, आज उत्तर प्रदेश में अपराध सबसे चरम पे है, जो नंबर वन का ये झूठा वादा करते हैं, तो आज अपराध के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में और बेरोजगारी और किसानी को लेकर के संजीव जी एक रिएक्शन जल्दी से सभी का ले लें, दिनों में जनता के बीच भी जाएंगे। ठीक है संजीव जी, लेकिन जो संदेश जाता है ना संजीव जी आपके नेता की तरफ से, वो यही जाता है कि वो भी मंदिर जा रही है, वो कोई बुराई नहीं, जाना चाहिए और ये आस्था का विषय है, बिल्कुल कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर यही प्रमुखता से मुद्दे उठते तो आपको फायदा होता। आगे और आपको मौका मिलेगा, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। डॉक्टर आशुतोष, डॉक्टर साहब ब्राह्मण सम्मेलन और ये फिर से क्या वही संदेश? देखिए आप तो हमेशा आपकी पार्टी की तरफ से और आप भी ये कहते रहते हैं कि भाई हमारे विकास कार्यों को योगी आदित्यनाथ अपना बनाकर पेश कर रहे हैं और हमने शुरू किया, हमने हमारे कार्यकाल में शुरू हुआ उसका रिबन काट के और श्रेय ले रहे हैं। तो ऐसे में जैसे ही आप ब्राह्मण सम्मेलन करते हैं, प्रबुद्ध जन सम्मेलन की बातें आती हैं, तो लगता नहीं कि आप भी डाइवर्ट हो रहे हैं और आप भी बीजेपी की उस धर्म की राजनीति में फंस कर असल मुद्दों से भटक रहे हैं सर? नहीं सही जी, देखिए ऐसा है ना कि जो सिक्के का जो पहलू आपको दिखाया जा रहा है वो असल में है नहीं। समाजवादी पार्टी बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि मुद्दे क्या है। ब्राह्मण सम्मेलन तो कहीं पे हमारे वहां एक प्रबुद्ध सभा है, वो अपना सम्मेलन कर रही है,
उसी के साथ में हमारा एक किसान नौजवान यात्रा चल रही है लगातार पिछले 10 दिनों से। हम लोग 11-12 जिलों में पहुंच चुके हैं और 46 जिलों का टारगेट है। कुटीर उद्योग बचाओ यात्रा चल रही है, जनाक्रोश यात्रा चल रही है हमारी, जनादेश यात्रा चल रही है, तो उत्तर प्रदेश में हर जगह से हमारी यात्राएं चल रही हैं। लेकिन बात होती है ब्राह्मण की, ब्राह्मण की बात नहीं है, एक प्रबुद्ध जन है, उसने कहा कि हम एक सम्मेलन करेंगे समाजवादी पार्टी में, सबका स्वागत है, सब लोग कर रहे हैं। लेकिन हमारा तो बहुत ही साफ मुद्दा है जी। कि उत्तर प्रदेश में जो विकास की गंगा 2012 से 17 के बीच में माननीय अखिलेश यादव ने बहाई थी, और आज उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी जो झूठे प्रचार वाले हैं, आज तो सबसे बड़ा हास्यास्पद हुआ ही, आपने देखा होगा अखबारों में जो है कलकत्ता के फ्लाईओवर को लगा के योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ की तस्वीर दिखाई है, और अमेरिका की चिमनी की फोटो लगा के सैकड़ों अरबों रुपए का ऐड दिया है। तो ऐसी भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा पाने के लिए उत्तर प्रदेश जानती है कि अखिलेश यादव एकमात्र वो विकल्प है। तो सबसे बड़ा विकास हमारा मुद्दा है, उसको लेके हम जाएंगे। महंगाई, बेरोजगारी, दलित और पिछड़ों के आरक्षण के साथ जो खिलवाड़ किया है, और जो बहुत बड़ी चीज है उत्तर प्रदेश की जो गंगा जमनी तहजीब को निस्तनाबूत किया है भारतीय जनता पार्टी को, उसको वापस लाने का काम समाजवादी पार्टी 2022 में करने जा रही है। ठीक है डॉक्टर आशुतोष। डॉक्टर खान, बहुजन समाज पार्टी का एक पक्का वोट बैंक हुआ करता था, क्या आपको अपने वोट बैंक पर भरोसा नहीं रहा सर, जो अब आप भी विभिन्न धर्मों की तरफ पहुंच गए हैं, आप भी ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, आप भी प्रबुद्ध जन सम्मेलन कर रहे हैं, इस तरह से क्या आपके पास भी जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, सड़क है, बिजली है, पानी है, मूलभूत सुविधाएं हैं, उनके मुद्दों की कमी आपको भी नजर आती है, आपको भी लगता है क्या खान साहब कि अगर जब तक हम धर्म की राजनीति नहीं करेंगे हम जीत नहीं सकते? साहब देखिए, सबसे पहले तो हमारी पार्टी का नारा ही सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। अब जब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के माध्यम से हमने प्रबुद्ध गोष्ठी का आयोजन किया, आपको याद होगा, आपके चैनल पर भी पता चला होगा कि सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी ने प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया, प्रबुद्ध गोष्ठी सम्मेलन का आयोजन किया जी। और जब हम दो तीन चार पांच छह जिले में जब पहुंचे तो अपार भीड़ हमारे साथ जुटने लगी, तो भारतीय जनता पार्टी और सपा के होश उड़ गए, कांग्रेस के होश उड़ गए, ये कैसे इतना बड़ा सम्मेलन हो रहा है, सबकी नींद उड़ गई, ये तो देख रहे हैं कि सारा काम बिगड़ जाएगा मेरा। और जितना झूठ बोल सकती है भारतीय जनता पार्टी उतना झूठ बोल रही है, जैसे कि अभी बताया गया कि हाँ वो कलकत्ता का पुल और कहाँ का पुल बता रहे हैं, कुछ कहने को तो है नहीं। देखिए चरम सीमा पर महंगाई है, इसकी चर्चा हम लोग उस सम्मेलनों में करते हैं, और बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी तैयारी के लोगों को सीने पर गोली ठोकने का काम बीजेपी सरकार कर रही है, बिना किसी मुकदमे के खुशी दुबे को आज बंद किया हुआ है जेल में, 4 सीट भी नहीं उसकी दाखिल हुई है, उसका हस्बैंड क्रिमिनल था तो कोर्ट सजा देती या कुछ करती, लेकिन उसको पुलिस द्वारा मारा गया, इनकाउंटर कर दिया गया, चलिए ठीक है इनकाउंटर कर दिया आपने, लेकिन खुशी दुबे का क्या दोष है, उसको 3 दिन की बेहता लड़की उसको जेल में बंद किया है, 4 सीट तक नहीं दाखिल किया है। ठीक है, खान साहब आपको रोकना पड़ेगा, खबर आ रही है, हम संगीत रागी और डॉक्टर जफर के पास जाएं, उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर बड़ा हमला किया है। योगी आदित्यनाथ ने जातिवादी वंशवादी मानसिकता को बर्दाश्त न करे जनता उत्तर प्रदेश की जनता से यह अपील की है, राम भक्तों को गोली मारने को वालों को लोग बर्दाश्त न करे, समाजवादी पार्टी पर यहां पर सीधा सीधा हमला बोला है, कहा है उन्होंने, याद रखिए बिच्छू कहीं भी होगा तो डसेगा ही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान इस वक्त आया है और ये बड़ी खबर आज तक पर आप देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर बड़ा हमला करते हुए एक बार फिर से धर्म की राजनीति करते हुए कहा है कि राम भक्तों पर गोली चलाने वालों को आप भूले नहीं, जातिवादी वंशवादी मानसिकता को जनता बर्दाश्त न करे। डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम, संगीत रागी सर आएंगे आपके पास, लेकिन एक एक राजनीतिक दलों के रिएक्शन हो जाएं। मेरी पूरी बात हुई नहीं सही साहब, ले लीजिए जल्दी से, लेकिन पूरी बात कंप्लीट नहीं हुई सही साहब, जल्दी से कर दीजिए प्लीज, अब आगे और मौका मिलेगा जी। जी हाँ जी, मैं यही कह रहा था कि महंगाई जो चरम सीमा पे पहुंची हुई है, डीजल के दाम कितने हो गए हैं, पेट्रोल के दाम कितने हो गए हैं, किसान इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, यही तो कह रहे हैं,
यही तो हम खान साहब कह रहे हैं, डॉक्टर खान आपसे यही कह रहे हैं कि ये मुद्दे जो हावी होने चाहिए थे, मुद्दे जो होने चाहिए जनता को भी लगे, हम उठा रहे हैं महंगाई के, कहां आप उठा रहे हैं, आप तो यही मुद्दे उठा रहे हैं, आप तो सम्मेलन पे सम्मेलन कर रहे हैं, उठा रहे हैं जनता में जाके, आप तो जनता का समर्थन कर रही है, और ये मुद्दे सम्मेलन में ये मुद्दे भी उठा रहे हैं, ठीक है, और लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा भी उठा रहे हैं, ठीक है, कि बहन कुमारी मायावती जी के शासन में कैसा लॉ एंड ऑर्डर था, डॉक्टर शासन में कैसा लॉ, ठीक है सर, फिर से आते हैं, योगी जी खुद ही 19-20 से डॉक्टर खान है, अपना मुकदमा वापस ले लिया उन्होंने, डॉक्टर खान आएंगे, खान साहब आएंगे आपके पास, इनके हैं जो क्रिमिनल केसेज में है, ठीक है सर आते हैं ना, कहां से आप सुधार पाएंगे शासन को, जब आपके एमएलए आते हैं आपके पास, आपके डॉक्टर इस्लाम मिनिस्टर, डॉक्टर इस्लाम क्या शायद हमारी आवाज डॉक्टर खान तक नहीं पहुंच पा रही है, डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम हमारे साथ हैं, डॉक्टर साहब एक बार फिर से अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान आता है तो उसमें एक बात तो समझ में आती है, वो खुद ये कहते हैं कि जातिवादी वंशवादी राजनीति से दूर रहें जनता, लेकिन वो फिर से राम मंदिर की बात ले आते हैं और ये कहते हैं कि राम भक्तों पर गोली चलाने वालों को भूले ना, तो क्या वो फिर से वो याद नहीं दिलाते हैं कि धर्म की तरफ आप मुड़िए, क्यों ये ऐसा क्यों? देखिए देखिए कोई धर्म की राजनीति हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हकीकत को बयान करने में कोई कठिनाई भी नहीं होनी चाहिए, किसी को आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए, ये तो हकीकत है ना कि भाई 500 साल से ये मुद्दा चला आ रहा है, अगर इसका समाधान निकाला तो भारतीय जनता पार्टी ने निकाला और सर्वसम्मति से निकाला, किसी को कोई किसी ने सर मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, कोई भी डॉक्टर खान प्लीज बीच में मत बोलिए, आवाज बंद कर दीजिए डॉक्टर खान, देखिए शहीद भाई हाँ डॉक्टर जफर प्लीज अपनी बात पूरी, शहीद भाई ये इंसान जो है ये जो बीच में टीका टिप्पणी करने वाला इंसान है, जरा इसको संभल के आप बाद सबको अलग अलग मौका दीजिए, हम बीच में किसी के नहीं बोले, मैं कह रहा हूँ कि ये इसका समाधान अगर निकाला तो हमारी पार्टी ने निकाला, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस उन्होंने सब ने रोल प्ले किया वहां पर, ताकि कोई तरह की भी आपस में कोई रंजिश ना हो। अब ये जहां तक बसपा की पार्टी के इतना उछल उछल के मौलवी साहब जो कह रहे हैं, हकीकत तो है कि सबको मालूम है, डॉक्टर खान को ही मालूम है कि उनकी बिखरी हुई पार्टी का जो जमीन में कोई यही नहीं रहा है। आप देखिए आज कोई पूछता नहीं बसपा को, इसलिए कि बसपा के अपने ही लोग जिनके बेसिस पे वो आज मुख्यमंत्री बनी थी या इतने बड़े ओहदे पे आई थी, उनको उन्होंने छोड़ दिया, अपने फायदों के लिए छोड़ दिया, जितना करप्शन कर सकते थे किया उन्होंने, लोगों को मत बोलिए ना खान साहब, प्लीज मत बोलिए सर, आपका आपका मौका आएगा, अरे भाई प्लीज, तो आज आज आप इनकी पार्टी अपने आप बिखरी हुई, लोग बात कर रहे हैं कि भाई बहन मायावती जी को हटाना चाहिए, कुछ दूसरा को लाना चाहिए, मतलब आप पर में पार्टी में ही बिखराव है, ठीक है, समाजवादी पार्टी का आपको मालूम है, खुद कहते रहते हैं कि हम संगीत रागी जी, प्रोफेसर रागी जी के पास जाएं, उससे पहले हमें एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, तो संगीत जी जैसे ही आएंगे वैसे ही आपके पास आएंगे, सवाल सिर्फ आज ये है कि क्या उत्तर प्रदेश में सिर्फ धर्म की राजनीति चलेगी, जातिवाद की राजनीति चलेगी, वहां पर जनता के मुद्दों को उठाने वाला कोई राजनीतिक दल नहीं है, देखते रहिए आज तक। विधायक दल का नेता चुने जाने का पत्र सौंप रहे हैं, विधायक दल के नेता चुना जाना यानी कि, और इस तरह से राज्यपाल ने भी उनका स्वागत किया है नए मुख्यमंत्री। अब कल शपथ ग्रहण की खबरें भी आ रही हैं, क्योंकि सिर्फ एक घंटे पहले यह कहा गया था कि 6 बजे पहुंच जाएंगे, और ठीक 6 बजे राजभवन पहुंच गए थे आचार्य देवव्रत को, उन्होंने अपना समर्थन पत्र जो विधायक मंडल का समर्थन पत्र था वो समर्थन पत्र उन्होंने सौंप दिया था। कल शपथ ग्रहण भी हो सकता है, हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। बीजेपी ने एक बार फिर से चौंकाया है, बीजेपी ने एक बार फिर से गुजरात में एक ऐसा मुख्यमंत्री दिया है जो पहली बार विधायक बने हैं और जो जमीनी नेता अवश्य है, लेकिन बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं था इनका नाम, भूपेंद्र पटेल का नाम चर्चा में नहीं था, हालांकि 6 ऐसे बड़े नाम थे जिनमें डिप्टी सीएम गुजरात के उनका नाम भी चल रहा था, बड़े बड़े नाम थे, सभी मशहूर नाम थे, लेकिन ये जो तस्वीर है इसमें न सिर्फ केंद्रीय पर्यवेक्षक बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी हैं, और विजय रूपाणी ने खुद ही भूपेंद्र पटेल के नाम का प्रस्ताव रखा, उसके बाद उनका अनुमोदन हुआ, समर्थन हुआ और तुरंत ही विधायक दल की बैठक में ये फैसला हो गया, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सीधे आला कमान से भूपेंद्र पटेल का नाम आया, जिसकी घोषणा या जिसकी सूचना
केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर ने विधायक दल को दी। विधायक जितने बीजेपी के वहां पर मौजूद थे बैठक में, उन लोगों को यह सूचना दी गई, किसी ने उसका विरोध नहीं किया, सभी ने उसको स्वीकार किया। उसके बाद फोटो अपॉर्चुनिटी हुई और अब राज्यपाल से मिलकर समर्थन पत्र भी सौंप दिया गया है। भूपेश पटेल को विधायक दल ने अपना नेता चुना है और वो बीजेपी विधायक दल के नेता हैं। अब नेता के साथ साथ उन्हें मुख्यमंत्री भी बना दिया गया है, लेकिन शपथ ग्रहण की जो खबरें आ रही हैं वो ये कि शपथ ग्रहण कल होगा। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इतने वरिष्ठ और बड़े बड़े नेता उनके अंडर काम करेंगे? भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल में कुछ नए नेता शामिल होंगे, कुछ नए विधायकों को भी मंत्री बनाया जाएगा। कैसा होगा विस्तार, कैसा होगा स्वरूप, या यही मंत्रिमंडल रहेगा? सिर्फ भूपेंद्र पटेल जो हैं वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये शपथ ग्रहण कल हो सकता है, लेकिन अभी इसकी औपचारिक घोषणा होनी बाकी है, इस बारे में जानकारी मिलनी बाकी है। लेकिन विजय रूपाणी खुद यहां पर मौजूद हैं। जब राज्यपाल से मुलाकात करते हुए आप विजय रूपाणी को देख रहे हैं, केंद्रीय दोनों पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद जोशी भी वहां पर मौजूद हैं। ये वो समर्थन पत्र है विधायकों का जो सौंप दिया गया है यहां पर। तो गुजरात में एक बार फिर से नया मुख्यमंत्री, लेकिन बीजेपी पर ये विपक्ष आरोप ही लगा रहा है कि उन्होंने 6 महीने के अंदर 4 राज्यों के मुख्यमंत्री बदल दिए और कुछ कुल 5 मुख्यमंत्री उन्होंने बदले हैं। और चाहे वो येदियुरप्पा हों, चाहे वो उत्तराखंड के 2 मुख्यमंत्री बदले हों उन्होंने, लेकिन यहाँ अब ये तय हो चुका है कि गुजरात में विजय रूपाणी को हटाकर नया मुख्यमंत्री बना दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने भूपेंद्र पटेल को बधाई दी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है, सभी विधायकों ने उन्हें बधाई दी है और विधायकों को भी बधाई दी है। लेकिन अब एक बार फिर से, क्योंकि दिसंबर 2022 में चुनाव होने हैं और उस विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने 1.5 साल का समय है अभी गुजरात विधानसभा चुनाव में। लेकिन बीजेपी के लिए ये सिर्फ गुजरात विधानसभा का चुनाव नहीं है, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनावों का एक बहुत बड़ा टेस्ट भी है, जिसे आप लिटमस टेस्ट कह सकते हैं। और अब ये तय हो चुका है कि भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में बीजेपी इस बार का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। हालांकि विजय रूपाणी को यह कहकर हटाया गया, बीजेपी की तरफ से तो बात नहीं आई, उसे सहज और सरल प्रक्रिया एक मुख्यमंत्री के बदलने की बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन जो विरोधी हैं वो ये कहते हैं कि विजय रूपाणी कोरोना काल में गुजरात में सफल नहीं रहे और कोरोना में गुजरात ने काफ़ी कुछ सहा और इस विफलता के कारण उन्हें हटाया गया। लेकिन एक ऐसा मुख्यमंत्री बीजेपी ने अब दिया है जिसकी ज़्यादा चर्चा नहीं थी, जिसका नाम ज़्यादा लोगों ने नहीं सुना था, और ये चौंकाने वाला फैसला जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदा से मशहूर रहे हैं और बीजेपी आलाकमान की तरफ से एक और बड़ा फैसला यहां पर आया है। लेकिन जो देखने में अभी इस वक्त आ रहा है वो ये आ रहा है कि सब कुशल मंगल है, सब ठीक ठाक है। जैसे ही नाम की घोषणा हुई, केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर ने विधायक दल के सामने भूपेंद्र पटेल का नाम रखा और इस नाम का जो प्रस्ताव किया गया वो भी विजय रूपाणी की तरफ से किया गया। एक बार सीधे हम आपको लिए चलते हैं गोपी घांगर के पास, जो लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुई हैं। गोपी, अब राज्यपाल से भी मुलाकात हो गई है, विधायकों के समर्थन का पत्र भी उन्हें सौंप दिया गया है, क्या कल शपथ ग्रहण संभव है और क्या शपथ ग्रहण के साथ साथ कुछ विधायक भी मंत्री बन सकते हैं, कुछ बदलाव मंत्रिमंडल में हो सकता है? गोपी, देखिए अभी तक मंत्रिमंडल में बदलाव की किसी भी तरीके की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि कहा यही जा रहा है कि कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। हालांकि वक्त अभी तक तय नहीं है, क्योंकि बीजेपी के लिए यह कहा जाता है कि 12 जो 49 का मुहूर्त है वो मुहूर्त फिक्स होता है और ये इसे विजय मुहूर्त कहा जाता है, विजय मुहूर्त में ही शपथ ग्रहण होगी। लेकिन आपको बता दूं, सहित इस वक्त हम मौजूद है यहाँ पे अहमदाबाद के अदालत में आए हुए त्रिमंदिर में और यहाँ पे कुछ ही देर में भूपेंद्र पटेल पहुंचेंगे। भूपेंद्र पटेल जो कि दादा भगवान में काफी यकीन रखते हैं, वो मुख्यमंत्री पद का समर्थन मिलने के बाद, उनके नाम की घोषणा होने के बाद अब सीधा यहाँ पे दर्शन करने के लिए पहुंचने वाले। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सारी तैयारियां है वो हो चुकी है, पुलिस की जो पायलटिंग वैन है वो पहुंच चुकी है। गवर्नर हाउस से निकलने के बाद वो सीधा इसी जगह पर पहुंचेंगे और भगवान के आशीर्वाद लेंगे। सईद, तो ये माना जाए गोपी कि कल भूपेंद्र पटेल जो है वो शपथ ले लेंगे, लेकिन किस तरह से गुजरात में भूपेंद्र पटेल को अब देखा जा रहा है, भले वो राजनीतिक दल हो या अगर आम गुजराती की प्रतिक्रिया आपको कुछ मिल पाई हो गोपी? तो
बिल्कुल, देखिए इसमें सबसे बड़ी जो प्रतिक्रिया आई है वो सौराष्ट्र के पाटीदार समाज की ओर से आई है, क्योंकि भूपेंद्र पटेल जो है वो पाटीदार है, तो सौराष्ट्र के पाटीदारों ने भी उनका स्वागत किया है और सौराष्ट्र के पाटीदारों ने ये कहा है कि जो पाटीदारों को मुख्यमंत्री बनाने की मांग जो चल रही थी वो अब पूरी हुई है। इस तरीके का बयान जो है वो सौराष्ट्र के पाटीदार की ओर से दिया गया है। वहाँ के जो पाटीदार समाज के बड़े नाम है, बड़े चेहरे हैं, उनकी ओर से इस तरीके का बयान दिया गया है। यानी कहीं ना कहीं जो बीजेपी साबित करना चाहती थी कि सौराष्ट्र के पाटीदारों को भी साथ में लेके चलना है, वो सफल हो सकता है, ये अब सामने आ रहा है। धीरे धीरे ये चीज़ स्पष्ट होती जा रही है कि पाटीदार भी भूपेंद्र पटेल के नाम से खुश है, हालांकि कड़वा पाटीदार है। और ये पाटीदारों के लिए ये कहा जाता है कि अगर लेवा पाटीदार होगा तो कड़वा पाटीदार उसे स्वीकार लेते हैं, लेकिन अगर कड़वा पाटीदार होता है तो लेवा पाटीदार उसे नहीं स्वीकारते हैं। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि अगले कुछ दिनों के अंदर किस तरीके के बदलाव होते हैं गुजरात के अंदर, और खास करके सरकार के अंदर किस तरीके के बदलाव होती है, क्योंकि जो छवि विजय रूपानी की वजह से बताई जा रही थी कि सरकार और अधिकारियों के बीच में संगठन नहीं, जो तालमेल नहीं है, सरकार और संगठन के बीच में तालमेल नहीं है, तो क्या वो चीज़ स्पष्ट हो पाएगी, ये अब देखना रहेगा। हालांकि वो अगले एक आध हफ्ते में ये सारी चीजें क्लियर होगी। सही, बहुत धन्यवाद गोपी आपका। गोपी आप नजर बनाए रखिए, दोबारा हम आपके पास आएंगे। एक बार फिर से हम अपनी चर्चा पर लौटते हैं और हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी जी भी हैं। प्रोफेसर रागी, हम बात तो उत्तर प्रदेश की कर रहे थे सर, लेकिन क्योंकि ये गुजरात का एक घटनाक्रम सामने आ गया है तो सवाल आपसे गुजरात पर। 6 महीने में 4 राज्यों के 5 मुख्यमंत्री बीजेपी बदलती है, इसके पीछे कारण क्या है और इसका जनता में क्या संदेश जाता है सर? देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन में एक बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। और आपने देखा होगा कि जैसे ही कांग्रेस के प्रदेशों में इस प्रकार की चर्चा होती है तो वहाँ पर एक प्रकार का घमासान पार्टी के अंदर ही मच जाता है जी। और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा लगा है कि ऐसा मुझे लगता है कि उन्होंने जो ये किया है वो ये सोच करके ही किया होगा कि जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें हार्दिक पटेल की राजनीति को मात दिया जा सके। पाटीदार जो आंदोलन था उसकी जो उसके कारण जो भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी बहुत उसको नुकसान हुआ था, राजनीतिक नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई की जा सके। और मुझे लगता है कि यह एक बहुत अच्छा विकल्प के तौर पर एक साफ सुथरी छवि के रूप वाले व्यक्ति को, और कहीं भी बहुत ज्यादा वो मीडिया के लेफ्टियन मीडिया के ये में नहीं रहे हैं sir. तो स्वाभाविक है कि ऐसे लोगों के लिए, देखिए कई बार ध्यान रखिए कि 2002 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात में गए थे तो उनका भी कोई बहुत बड़ा अनुभव नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एक सफल मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने गुजरात को एक अच्छा शासन दिया, एक बेहतरीन विकास दिया जी। आप देखिए योगी आदित्यनाथ के लिए, वो भी कोई बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थे, एक योगी थे, और आज उत्तर प्रदेश का जो जीडीपी है वो 10.9 से प्रोफेसर रागी, सर आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि समय सारा उधर चला गया उस खबर में। हम सुनना चाहते थे आपकी पूरी बात, लेकिन डॉक्टर इस्लाम आ रहे हैं। संजीव जी, आपका आपका लिंक कट गया था, आपसे बात भी नहीं हो पाई ज्यादा, लेकिन डॉक्टर इस्लाम, जिस तरह से बीजेपी ने जो सवाल हमने प्रोफेसर रागी से पूछा कि 5-6 महीने में 5 मुख्यमंत्री बदल दिए और इसे एक सहज प्रक्रिया बीजेपी के बड़े नेता और बीजेपी की तरफ से बताया जाता है, और अब सवाल यह भी उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी को भी बदला जाए, क्या कहेंगे आप? देखिए, दो बात, बहुत अहम बात कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी पे ही सिर्फ लागू होती, किसी और पार्टी पे नहीं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर पोस्ट वाला जो एक कार्यकर्ता होता है, किसी को भी कोई दायित्व दिया जा सकता है। एक आम योगी पोस्टर बदले लगाने जा सकते वाला कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बन सकता है, पार्टी प्रेसिडेंट। समय कम है सर, इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। तो मैं ये नहीं कह सकता, पार्टी की लीडरशिप डिसाइड करती है कौन
किस वक्त किसको कौन सा दायित्व दिया जाए और किस आवश्यक जो दायित्व है कौन निभा सकता है वो पार्टी लीडरशिप डिसाइड करती है। इस पर कोई आज के दिन टीका टिप्पणी करना सही नहीं होगा। ठीक है, डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम, संजीव सिंह जी, डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, डॉक्टर एम एच खान साहब, प्रोफेसर संगीत रागी जी, आप सभी का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रियंका गांधी अपने उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और उन्होंने हनुमान मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की है। एक सवाल फिर से उत्तर प्रदेश में उठने लगा है कि यहां पर क्या सिर्फ धर्म की राजनीति ही होगी, जाति की राजनीति ही होगी। इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।